मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में, सुनो, जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में अपनी रसोई में कुछ पकाए, पतीलों को देखे और कहे कि बहुत अच्छा सुंदर पतीला है, कहां से आया, और पतीले के नीचे देखे मेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश। साल 2017 के मार्च महीने में राहुल गांधी जौनपुर पहुंचे थे। मौका विधानसभा चुनाव का था। यूपी विधानसभा चुनाव में अचानक राहुल गांधी की इच्छा जाग गई। कहने लगे कि मैं चाहता हूं ओबामा की पत्नी जौनपुर में बने पतीले में खाना पकाए। खैर, मकसद तो वैसे राहुल का ये था कि अमेरिका में भी जौनपुर होने लगे, लेकिन अमेरिका में अब 3 साल बाद कुछ और हो गया। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि राहुल तो नर्वस टाइप के स्टूडेंट है। ओबामा ने इधर राहुल पर ऐसी टिप्पणी की तो याद 2017 के चुनाव के दौरान राहुल की ओर से दिए गए बयान किया गया। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में, सुनो, जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में अपनी रसोई में कुछ पकाए, पतीलों को देखे और कहे कि बहुत अच्छा सुंदर पतीला है, कहां से आया, और पतीले के नीचे देखे मेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश। और बाबा साहब आम खाए, हमने वहां पर लखनऊ में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हो, फूड प्रोसेसिंग प्लांट से किसान सीधा अपना आम बेचे, उसे सही दाम मिले, और उसी प्लांट से हजारों उत्तर प्रदेश के युवा काम कर रहे हो। और बाबा जी आम खाए, क्या बहुत बढ़िया आम है, देखो कहां से आया, डब्बे पे लिखा हो मेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जी जाए अमेरिका, जाए जैकेट खरीदे, जैकेट पे लिखा हो मेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश। गाड़ी खरीदे मेड इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। राहुल गांधी पर अगर विदेश से टिप्पणी की गई हो तो भारत में बैठे बीजेपी वाले नेता कैसे चुप रहेंगे। लैपटॉप मोबाइल उठाए और ट्विटर पर लॉगिन करके फटाफट से राहुल गांधी पर तंज कसने लगे कि कहीं इस बार देर ना हो जाए, राहुल पर चुटकी लेने में कहीं भीड़ में खो ना जाए। संबित पात्रा ने फौरन तंज कसा। वही संबित पात्रा जो पुरी में 11,000 से ज्यादा वोटों से लोकसभा चुनाव हारे थे और टीवी पे बैठकर पता लगाते हैं कि रसोड़े में कौन था। पात्रा ने 2 शब्द में बहुत कुछ साफ कह दिया। उधर किरेन रिजिजू ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी पर चुटकी लेने में देर न की। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बराक ओबामा के राहुल ज्ञान पर सवाल खड़े किए। तारिक ने कहा कि ओबामा जी जो बात करते हैं वो तो 10 साल पुरानी है, एक मीटिंग में उन्होंने कितना जान लिया उनके व्यक्तित्व को। सुबह से ओबामा की किताब को लेकर खूब चर्चाएं रही। एक और राहुल को डिफेंड करने में कांग्रेस वाले खड़े रहे तो बीजेपी वाले दिवाली से पहले चुटकी ले ली और अपनी खुशी मना ली। न्यूज़ तक ब्यूरो।